हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित गोयल। और स्टूडेंट्स, आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और याद रखना, ये चैप्टर हमारा कहीं ना कहीं मैथ्स के चैप्टर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड है। रिलेटेड इन द सेंस कि जो हमने मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पढ़े हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस हम इस चैप्टर में भी करते हैं। लेकिन दोनों के करने का जो तरीका है, जो कॉन्सेप्ट्स है, वो अलग-अलग है। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, बच्चों को ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है फर्स्ट टाइम करने पर। चाहे आप कितने ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, जब आप फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को करेंगे तो आपको ये चैप्टर जरूर थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। लेकिन जब आप इस चैप्टर को सेकंड, थर्ड या फोर्थ टाइम करते हैं, उसके बाद ये चैप्टर आपको बहुत इजी लगता है। इसके क्वेश्चन ज्यादा बड़े नहीं होते, लेकिन समझने होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बोल रहा हूं, वो ध्यान से समझना। पहले मैं लिख देता हूं, ये है चैप्टर नंबर हमारे पास 2। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एक बात जरूर याद रखना, मतलब मैं आपको ये बात जरूर बोलूंगा, अगर आपका ये चैप्टर आपको करना है तो वो एफएम के कुछ चैप्टर्स को करने के बाद करना। मतलब सबसे पहले चैप्टर नंबर 2, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मत करना। अगर इंटरनल में आ रहा है तो आप कर ले। अगर अभी कोई जल्दी नहीं है इस चैप्टर को करने की, तो पहले इस चैप्टर को ना करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपको पहला ही चैप्टर डिफिकल्ट लगे। आप चैप्टर नंबर 3rd या चैप्टर नंबर 5th से अपना सिलेबस करना स्टार्ट करें, मतलब फर्स्ट इंट्रोडक्शन कर लें, वो तो जरूर करें। उसके बाद चैप्टर नंबर 3rd या फिर 5th से करें तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा एफएम पढ़ना। ये मेरी अपनी पर्सनल एडवाइस मान लो आप, ठीक है। बट अगर इंटरनल में आ रहा है चैप्टर, तो फिर आप इसको जरूर करें, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं हम। अच्छा, इस चैप्टर को करने के लिए हमारे को 4 फॉर्मूले करने हैं, ये याद रखना। इस चैप्टर को करने के लिए हमारे को 4 फॉर्मूले करने हैं, और ये कॉन्सेप्ट जरूर समझना है कि कब और कौन सा फॉर्मूला लगेगा। पूरे चैप्टर में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, पूरे चैप्टर में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ एक चीज को छोड़कर। वो क्या है? वो ये है कि हमें ये सीखना है, ये समझना है कि सबसे पहले फॉर्मूला लगाना कौन सा है, कौन से फॉर्मूले को लगाकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया, तो आई एम डैम श्योर आपको इस पूरे चैप्टर में 1% भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ये एक बिग टास्क होता है हमारे लिए, ये समझना ही कि सर फॉर्मूले में हमें क्वेश्चन में फॉर्मूला कौन सा लगाना है। तो मैं आपको पहले फॉर्मूले बता रहा हूं, फिर कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। हमारे पास फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू का, प्रेजेंट वैल्यू का, और प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले हैं मेरे पास 2। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, प्रेजेंट वैल्यू के 2 फॉर्मूले हैं, और ऐसे ही फ्यूचर वैल्यू के भी मेरे पास 2 फॉर्मूले हैं। बस ये आपको 4 फॉर्मूले समझने हैं, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू के 2 फॉर्मूले हैं और फ्यूचर वैल्यू के 2 फॉर्मूले हैं। प्रेजेंट वैल्यू की बात करें तो प्रेजेंट वैल्यू का पहला फॉर्मूला, नंबर 1 फॉर्मूला और नंबर 2 फॉर्मूला। नंबर 1 हम यूज करते हैं एफ वी, जिसे हम कहते हैं फ्यूचर वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय PVF और RN। देखिए, अगर प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं तो PVF लगेगा,
या फिर यहां पे हम लिख लेते हैं एनयूटी, अभी समझाऊंगा मैं आपको ये, इनटू में PVAF और RN। अब समझना इसे, ये दो फॉर्मूले लिखे हैं मैंने। जब भी प्रेजेंट वैल्यू की बात होगी, इस पूरे चैप्टर में दो ही कॉन्सेप्ट है, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू में भी दो फॉर्मूले हैं, फ्यूचर वैल्यू में भी दो फॉर्मूले हैं। तो पहले हम प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू में फॉर्मूला लगता है फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय PVF। प्रेजेंट वैल्यू तो PVF या फिर PVAF, ये याद रखना, ठीक है? प्रेजेंट वैल्यू है तो PVF या फिर PVAF। अब यहां पे देखते हैं, ये जो हमारा होता है ना फ्यूचर वैल्यू, इसको कहीं ना कहीं हम अमाउंट बोलते हैं, जो फ्यूचर में मुझे मिलता है। आज मैंने कुछ मनी डिपॉजिट करी है, जिसके जिस मनी से मुझे फ्यूचर में 1 लाख रुपीज मिलेंगे। फ्यूचर में मतलब मुझे 8 ईयर्स के बाद मुझे 1 लाख रुपीज मिलेंगे। तो आज बताओ मैंने कितनी मनी डिपॉजिट करी होगी। तो जो फ्यूचर में 1 लाख मिल रहा है वो मेरा क्या हो गया, फ्यूचर वैल्यू, जिसे हम अमाउंट बोलते हैं। प्रेजेंट वैल्यू निकालना है और फॉर्मूला लगेगा PVF का। तो हम सबसे पहले इस PVF को मार्क कर लेते हैं। ये कैसे लगेगा, क्या होता है PVF, उसकी फुल फॉर्म होती है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। आप लिख लें इसे, PVF होता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और N होता है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स या फिर नंबर ऑफ इयर्स। ठीक है, N होता है नंबर ऑफ इयर्स। अब यहां पर बात करते हैं, यहां पर है प्रेजेंट वैल्यू का ही, ये है एनयूटी, इनटू में PVAF और RN। अब PVAF होता है प्रेजेंट वैल्यू एनयूटी फैक्टर। एनयूटी का मतलब समझ लो पहले। एनयूटी होता है अ फिक्स्ड पेमेंट इज टू बी पेड और रिसीव्ड। एक एक अमाउंट जो हम आपको पे करते हैं या फिर रिसीव करते हैं इंस्टॉलमेंट के रूप में, और जो इंस्टॉलमेंट के बीच में टाइम होगा वो भी सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने सपोज करो एक कार ली है, आपने कार ली है, सपोज करते हैं हम लोग स्विफ्ट कार ली है, चलो आपने एक स्विफ्ट ली है, और स्विफ्ट कार आपने जो लोन पर ली है और जिसके आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं 10,000 रुपीज पर मंथ। तो 10,000 आप हर महीने पे करते हैं आने वाले 3 सालों तक। अब देखो 10,000 करके आप 3 सालों तक जो आप इंस्टॉलमेंट देंगे वो आपकी एन्यूटी हो जाएगी। हर महीने देनी है और 10-10 हजार की देनी है तो वो एन्यूटी है, लेकिन हर महीने देनी है, लेकिन अमाउंट कभी अलग है कभी अलग है, मतलब कभी 10,000 है, कभी 8,000, कभी 12,000, कभी 15,000, तो वो एन्यूटी नहीं होगा। या फिर आपने हर बार 10-10 हजार देनी है, लेकिन कभी आप 1 महीने में देते हो, कभी 3 महीने में, कभी 4 महीने में, तो भी एन्यूटी नहीं है। एन्यूटी का मतलब ही होता है एक फिक्स्ड पेमेंट बिटवीन टू सेम क्लास इंटरवल्स, दैट इज कॉल्ड एन्यूटी। चाहे वो रिसीव्ड कर रहे हो, चाहे वो पे कर रहे हो, वो एक अलग बात है, लेकिन एन्यूटी जरूर समझना है। तो जहां पर भी इंस्टॉलमेंट की बात की जाएगी वो एन्यूटी कहलाएगी, ठीक है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। तो हम लगाएंगे PVAF। अच्छा मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, हो सकता है आपके कॉलेजेस में PVF PVAF ये बुक के लास्ट में टेबल्स गिवन होती है, आप टेबल का यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी किसी भी बच्चों को टेबल यूज करना नहीं सिखाता हूं। मैं ये टेबल ही बनाना सिखा देता हूं। मेरे लिए सिर्फ 5 मिनट मैक्सिमम बता रहा हूं, 5 मिनट लगेगी मुझे PVF और PVAF की टेबल बनाने में। मैं आपको कैलकुलेटर पर, और याद रखना कैलकुलेटर हम लोग यूज करते हैं ये वाला, आप लोग भी ट्राई करें कि आपके पास भी यही कैलकुलेटर हो। अगर आपके पास ये वाला सिटीजन का कैलकुलेटर है तो सबसे बेस्ट है, ये याद रखना, ठीक है। 512, इसमें 12 डिजिट्स होती हैं। अगर आपके पास ये कैलकुलेटर यूज करेंगे और इन टेबल्स को हम बुक के पीछे से ना देखकर टेबल ही बना लेंगे, 5 मिनट में टेबल बन जाएगी, क्या दिक्कत है? पेपर में हमें टेबल मिले ना मिले पता नहीं, अगर हम खुद ही बना लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और मैं सारी टेबल बच्चों को खुद बनाना सिखाता हूं। अब हम इस पे आते हैं, फ्यूचर वैल्यू पर। फ्यूचर वैल्यू के अंदर भी मेरे पास दो फॉर्मूले, जिसे हम फॉर्मूला नंबर 3rd और फॉर्मूला नंबर 4 कहेंगे। यहां पर फ्यूचर वैल्यू में हम लिखते हैं फ्यूचर वैल्यू, जिसको हम अमाउंट भी कह देते हैं, जिसको हम अमाउंट भी कह देते हैं। फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं हम लोग पीवी, पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू,
इनटू में सी वी एफ और आर एन, सी वी एफ, सी वी एफ कहते हैं कंपाउंडेड वैल्यू फैक्टर को। ये जो मैं बोल रहा हूं ये आप लिख ले फुल फॉर्म, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, कंपाउंडेड वैल्यू फैक्टर, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन मतलब नंबर ऑफ इयर्स। ये थर्ड फॉर्मूला है, ये हमारे अमाउंट को, ये हमारा जो अमाउंट होता है ये हमेशा ज्यादा होता है, प्रेजेंट वैल्यू हमेशा कम होती है। मैं लिख देता हूं यहां पर, आपको थोड़ा सा समझ में भी आ जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कम होती है और फ्यूचर वैल्यू जो है वो ज्यादा होता है। प्रेजेंट वैल्यू कम होती है और फ्यूचर वैल्यू ज्यादा होता है, ये याद रखना, ठीक है। अब यहां पर फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एन्यूटी इनटू में सी वी एफ, और यहां पर है आर और एन। सेम चीज है यहां पर, अगर एन्यूटी है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एन्यूटी नहीं है तो ये वाला करेंगे। और ये फ्यूचर में पैसा को बढ़ाने का काम करता है और ये घटाने का काम, बस ये याद रखना, ठीक है। चलिए ये हमारे चार फॉर्मूले हैं, इसको भी हम एक बार मार्क कर लेते हैं। क्लियर हो गया है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए सबसे पहले मैं जो आपको क्वेश्चन करा रहा हूं वो एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एग्जाम्पल है। मैं एग्जाम्पल वैसे बहुत कम कराता हूँ, इलस्ट्रेशन ही कराता हूँ, बट ये एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छा है, पेपर में आने के चांसेस हैं, इसीलिए करा रहा हूँ, ठीक है। जितने क्वेश्चन मैं कराता हूँ अगर बच्चे ने उतने क्वेश्चन कर लिए तो गारंटी है पेपर बहुत 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 अच्छा जाएगा। देखिए, अ स्टूडेंट इज अवॉर्डेड अ स्कॉलरशिप एंड टू ऑप्शंस आर प्लेस्ड बिफोर हिम टू रिसीव्ड 1100 रुपीज नाउ एंड रिसीव्ड 100 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स, विच ऑप्शन इज टू बी चूज इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये है मेरे पास एग्जाम्पल 2.3 और पेज नंबर है मेरी बुक में 31, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है फर्स्ट ऑप्शन 1100 रुपीज नाउ, याद रखना ये जो अभी की जो बात कर रहे हैं हमेशा अभी की चीज को हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। और दूसरा ऑप्शन दिया है 100 रुपीज पर मंथ फॉर 12 मंथ्स, मतलब या तो 1100 रुपये अभी ले लो या हर महीने के एंड में 100 100 रुपये ले लो, 12 महीने तक तो 1200 रुपये ले लो, तो जोन सा ऑप्शन आपको ठीक लगे वो ले लो। इफ इंटरेस्ट रेट, अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की, तो वो दे रखा है 12% का, ये पर एनम है। और यहां पर हम बात कर रहे हैं मंथ्स की, तो हम आर, जिसको हम आर बोलते हैं, वो 12% एनम है, उसको मंथली में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1% पर मंथ, जिसको हम लिखते हैं 0.01। याद रखना ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखा है वो 12% पर एनम है और यहां पर दे रखा है मंथली, मंथ्स में दे रखा है, तो अपने रेट को मंथ्स में कन्वर्ट करा। और ये सब आप जानते हैं कि अगर मंथ एक साल में 12 होते हैं, अगर ये हाफ ईयर होता तो मैं रेट को डिवाइडेड बाय 2 करता, क्वार्टर होता तो डिवाइडेड बाय 4 करता, और अगर मंथ है तो डिवाइडेड बाय 12 कर रहा हूं, और अगर ईयर होता तो बात खत्म, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्या है, 1100 रुपीज नाउ, ये तो प्रेजेंट वैल्यू गिवन ही है, बात ही खत्म हो गई, और ये है 100 रुपीज पर मंथ फॉर 12 मंथ्स, तो एन 12 हो गया मेरे पास और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया मंथली के अकॉर्डिंग 0.01।
अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। देखो सबसे बड़ा चैलेंज मैंने पहले ही बता दिया है कि हमारे को दिक्कत यही आती है कि हमें यह समझना चाहिए कि फॉर्मूला लगाना कौन सा है। वी हैव फोर फॉर्मूला, 1 2 3 4, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं मैं इसके लिए। तो देखो मैं इस क्वेश्चन को दोनों ही तरीके से कर सकता हूं, मैं यूज ये वाला भी कर सकता हूं ये वाला भी कर सकता हूं, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट सीखना है एक जो हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। तो अब मैं आपको बताता हूं फॉर्मूला डिसाइड कैसे करेंगे हम लोग। यहां देखिए ये तो दे रखा है 1100 रुपीज नाउ, मतलब प्रेजेंट वैल्यू गिवन है। अगर प्रेजेंट वैल्यू गिवन है तो हम ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, बात खत्म, प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास है। और दूसरा है 100 रुपीज पर मंथ फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स। अगर मैं इस जो पैसा मुझे फ्यूचर में मिलेगा अगर मैं उसको प्रेजेंट में कंपेयर ले आऊं, उसको प्रेजेंट में कन्वर्ट कर दूं और इस 1100 से कंपेयर कर दूं, तो जो भी आंसर ज्यादा होगा वो बेस्ट हो जाएगा। अगर मैं फ्यूचर लेके जाता तो इस 100 100 को भी फ्यूचर में लेके जाना पड़ता, क्योंकि जो आज मुझे 100 रुपीज मिले हैं उसको आने वाले 11 महीने तक मैं उसको री इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि 31 जनवरी को मुझे पैसा मिल रहा है फर्स्ट मंथ का, तो 31 दिसंबर तक मेरे को उसके ऊपर और इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसके ऊपर भी इंटरेस्ट लूंगा और इसके ऊपर भी इंटरेस्ट लूंगा, डबल डबल मेहनत होगी मैं नहीं करूंगा, सिर्फ इसी को सीधा प्रेजेंट वैल्यू में ले आऊंगा और 1100 से कंपेयर कर दूंगा, करके दिखाता हूं तो आपको और समझ में आएगा। मैं पहले ही बता रहा हूं फर्स्ट टाइम में हो सकता है आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, बट एक दो बार करोगे तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे और 3 4 क्वेश्चन करोगे तो जल्दी समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं केस 2 से हम करेंगे, 1 तो हमारे पास है, इसको हम केस 1 मान लेते हैं और इसको हम केस 2 मान लेते हैं, ठीक है। केस 2 तो हम लेके जा रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू पर। अब देखिए 100 रुपीज पर मंथ फॉर 12 मंथ्स, तो इसका मतलब हर महीने 100 100 रुपए मिल रहा है, हर महीने मिल रहा है 100 100 रुपए, सेम अमाउंट सेम मंथली, तो इसका मतलब ये एन्यूटी हो गया। तो अब मुझे यहां पर जो फॉर्मूला लगाना है प्रेजेंट वैल्यू का, या तो ये लगेगा या ये लगेगा, और तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है नहीं, बस यही आपको समझना है कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है। डेफिनेटली एन्यूटी वाला लगाओगे तो ये फॉर्मूला लगेगा, एक ही फॉर्मूला है बस, एन्यूटी इंटू में पीवीएफ। तो यहां पे देखेंगे एन्यूटी मल्टीप्लाई बाय पीवीएफ और ये हो गया आर, आर है 0.01 कॉमा एन है मेरे पास 12 मंथ्स, ठीक है। ये अब हमारे को फॉर्मूला लगाना है। अब देखिए अगर एन्यूटी की बात करें तो वो हो गया 100 इंटू में पीवीएफ है 0.01 12 मंथ्स। एक बार मैं आपको दिखा रहा हूं कि बुक के लास्ट में हमें टेबल कैसे दे रखी होती है, सो दैट कभी आपको अगर यूज करनी भी पड़ जाए बाय चांस तो आप कर सके। ये बुक के सबसे लास्ट में है, देखो जैसे ये टेबल नंबर A4 है, प्रेजेंट वैल्यू फॉर अ एन्यूटी टेबल, देख रहे हो फ्यूचर एन्यूटी PVAF, यहां पे लिखा है RN। अब देखो आपको क्या चाहिए, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.01, मतलब 1% है और 12 इयर्स का है, तो यहां पर हम जाते हैं, ये आ गया 1% और N चाहिए 12, ये आ गया 12 1%, तो 11.255 आप देख सकते हैं 11.255, ठीक है। ये हमारा इसका 11.255, तो कितना आंसर आ जाएगा 1125.5, ये हमारा आंसर आ गया। बस आपको इतना करना है कि आपको कंपेयर करना है, ये क्या है 1100 और ये है मेरे पास 11225.5, तो बताओ विच वन इज बेटर। डेफिनेटली ये वाला बेटर हुआ, तो हम लिखते हैं प्रपोजल या फिर केस 2 मंथली 100 रुपीज इज टू बी एक्सेप्टेड, हम मंथली 100 100 रुपीज करके एक्सेप्ट करना चाहेंगे, समझ में आ गया। अब ये तो हमारा ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म, समझ में भी आ गया। अब पॉइंट ये है कि पीवीएफ हम टेबल बनाएंगे कैसे, अब जरा वो देखेंगे। पीवीएफ
ये है 1% फॉर 12 months, 1% फॉर 12 months। अब इसकी हमें बनानी है तो कैसे बनाएंगे जरा वो ध्यान से देखना जो मैं लिख रहा हूं। कैलकुलेटर पर ये करके दिखाऊंगा और ये आंसर आपको लाके दिखाएंगे हम। 1.01 ये एज पर रूल होता है, जो भी मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे मैंने यहां पे लिखा है 0.01, जो भी मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 0.01, उसमें प्लस 1 हम करते ही करते हैं, तो 1.01 हो जाएगा। 1.01 इसको हम करते हैं डिवाइड और इक्वल टू, इसको हम करते हैं डिवाइड और इक्वल टू, और फिर करते हैं एम प्लस, और जिसको मैं काउंट करता हूं 1। अभी मैं आपको जो लिख रहा हूं ये मैं आपको कैलकुलेटर पे करके बताऊंगा, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 4 में भी काम आना है, याद रखना, और चैप्टर नंबर 4 हमारे पेपर में जरूर 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 आता है, ठीक है, तो इसके लिए ये समझना तो है ही मुझे। फिर इक्वल टू करेंगे और एम प्लस कर देंगे सेकेंड टाइम्स, फिर इक्वल टू एम प्लस कर देंगे थर्ड टाइम, कितनी बार करना है 12 times, ऐसे हम करते जाएंगे। जब हम एम प्लस कर देंगे 12 times, उसके बाद लास्ट हमारा प्रेस करना होता है MRC, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये वाला हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखो जो मैंने लिखा है जरा हम करके दिखाते हैं आपको। यहां पर ठीक है, ये वाला देखिए, सबसे पहले ये आपके पास कैलकुलेटर पूरा दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये है वो एम प्लस और ये है MRC। सबसे पहले मैंने बोला है 1% है, तो 1.01 लिखना है जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, उसको करते हैं डिवाइड और इक्वल टू, तो ये नंबर आ गया, ये आ गया एम प्लस। अब आप देख सकते हैं यहां पर ये आ गया हमारे पास एम प्लस, ये हमने एम प्लस कर दिया, इस एम प्लस का मतलब होता है मेमोरी एड, फिर इक्वल टू किया और एम प्लस कर दिया, तो ये सेकेंड टाइम मेमोरी एड हो गई। ऐसे 12 times करना है इक्वल टू कर करके, इक्वल टू एम प्लस 3, इक्वल टू एम प्लस 4, इक्वल टू एम प्लस 5, इक्वल टू एम प्लस 6, इक्वल टू एम प्लस 7, इक्वल टू एम प्लस 8, इक्वल टू एम प्लस 9, इक्वल टू एम प्लस 10, इक्वल टू एम प्लस 11, इक्वल टू एम प्लस 12। मैंने 12 कर दिया, देखो यहां पे लिखा भी है, यहां पर मैंने एम प्लस 12 कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं करना, सीधा MRC दबाना है, उसके बाद सीधा ये है MRC, इस MRC को जैसे दबाओगे तो आ जाएगा 11.255, और यहां पर कितना है 11.255, आप देख सकते हैं, ये देखिए 11.255। तो मैंने इसीलिए कहा था कि हम कोई भी टेबल को कैलकुलेटर पर बना लेंगे, और इसीलिए कहा था कि कैलकुलेटर यही यूज करें, समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया होगा यहां तक। अगर किसी को अभी भी कोई डाउट हो या इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट हो तो मेरे से फोन पर या व्हाट्सएप पर भी पूछ सकता है, मैं उसको वैसे ही बता दूंगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम आते हैं अपनी इलस्ट्रेशंस पर, इलस्ट्रेशन 12, इलस्ट्रेशन 2.1, इलस्ट्रेशन 2.1 पेज नंबर है मेरे पास, मेरी बुक में 35, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, एज्यूम दैट अ डिपॉजिट इज टू बी मेड एट 0 years into an account। देखो 0 year का मतलब हो गया प्रेजेंट वैल्यू, आज की वैल्यू, आज मैंने बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट किया है, दैट विल अर्न 8% कंपाउंडेड एनुअली, और जिसके ऊपर मुझे 8% से इंटरेस्ट मिलता है। इट्स डिजायर टू विड्रॉ 5,000 आफ्टर 3 years एंड 7,000 आफ्टर 6 years फ्रॉम नाउ, व्हाट इज द साइज ऑफ डिपॉजिट 0 year, और मुझे बताना है कि मैंने आज कितना पैसा डिपॉजिट किया होगा, सो डैट मैं फ्यूचर में 3 साल बाद 5,000 और 6 साल बाद 7,000 रुपए विड्रॉ कर सकूं। अब देखो यहां तो मुझे क्वेश्चन ने ही बता दिया कि व्हाट इज द 0 year डिपॉजिट,
आज की डिपॉजिट के बारे में पूछा गया है, आज के डिपॉजिट के बारे में पूछा गया है, तो इसका मतलब मुझे निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू। अब प्रेजेंट वैल्यू के वी हैव टू फॉर्मूलाज, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इन दोनों में से कौन सा लगेगा? क्या यहां पर कहीं पर एन्यूटी की बात हुई है? नहीं हुई, तो ये तो लगेगा नहीं। अब प्रेजेंट वैल्यू का सिर्फ एक ही फॉर्मूला बचा, वो ये वाला है, फ्यूचर वैल्यू इंटू में पीवीएफ। लेकिन यहां पर फ्यूचर वैल्यू एक नहीं है, दो है, तो यहां पे हम लिखते हैं फ्यूचर वैल्यू इंटू में पीवीएफ आर और एन प्लस फ्यूचर वैल्यू इंटू में पीवीएफ और आर एन। यहां पर ये पहला वाला केस है और ये दूसरे वाला केस है। अब हम कैसे लिखते हैं फ्यूचर वैल्यू? मुझे 5,000 रुपए विड्रॉ करने हैं आफ्टर 3 इयर्स, इंटू में पी वी एफ आर है मेरे पास 8% का, तो 8% कॉमा 3 इयर्स और प्लस यहां पर हो जाएगा 7,000 मुझे विड्रॉ करने हैं इंटू में पी वी एफ और 8% और 6 इयर्स। समझ में आ गया होगा जो मैं बता रहा हूं? देखिए एन्यूटी नहीं है और वो पर्सन जो है वो दो बार पैसा को विड्रॉ करना चाहता है, 3 साल बाद और 6 साल बाद। जब वो 3 साल बाद विड्रॉ करेगा तो 5,000, 6 साल बाद करेगा तो 7,000। क्योंकि एन्यूटी नहीं है तो प्रेजेंट वैल्यू के दो कॉन्सेप्ट यहां पे लगाए हैं और दोनों को एक बार में एड कर दिया, तो जो भी यहां पर आंसर आएगा वो मेरे को आज डिपॉजिट करना होगा। समझ में आ रहा है? चलिए बहुत अच्छे, अब देखते हैं। अब ये है पीवीएफ। अब यहां पे हमें पीवीएफ निकालना भी सीखना पड़ेगा। पीवीएफ निकालना मैं आपको यहां पे बता देता हूं, बहुत ही सिंपल होता है। यहां पे बता देते हैं पीवीएफ 8% पर है ना, ये है 8% पर 3 इयर्स का भी और 8% पर 6 इयर्स का भी। आपको देखो सिखा रहे हैं हम बनाना, तो कैसे निकालते हैं 1.08। याद रखना मैंने बता दिया था जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, तो 8% को लिखते हैं 0.08 और प्लस 1 करना मैंडेटरी है, तो 0.08 प्लस 1 तो आ गया 1.08। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड और इक्वल टू कर देते हैं, तो ये फर्स्ट ईयर की वैल्यू आ जाएगी, फिर इक्वल टू करोगे सेकंड ईयर की वैल्यू आ जाएगी, फिर इक्वल टू करोगे थर्ड ईयर की वैल्यू आ जाएगी, इक्वल टू करोगे फोर ईयर की वैल्यू आ जाएगी, इक्वल टू करोगे फाइव ईयर की वैल्यू आ जाएगी और इक्वल टू करोगे 6 इयर्स की वैल्यू आ जाएगी। हमारा ये वाला आंसर और ये वाला आंसर मुझे चाहिए होगा, ठीक है? बस हमारा ये वैल्यू लिख लेंगे। अब देखो कितना सिंपल था ये वाला, तो 1.08, ठीक है, ये हो गया डिवाइड और इक्वल टू, ये आ गई फर्स्ट वैल्यू। याद रखना पॉइंट के बाद 3 डिजिट चाहिए राउंड ऑफ करके, हमें फर्स्ट तो चाहिए नहीं है, ये सेकंड और ये आ गई थर्ड, तो 0.794 यहां लिखेंगे 0.79। यहां देखिए 3.8 है, तो यहां ये फोर्थ डिजिट जो है वो 5 या उससे बड़ी होती है तो राउंड ऑफ कर देते हैं, तो 3 के बदले इसको लिख लूंगा 4, तो एक तो ये आंसर आ गया, 3 पे आ गया, फिर इक्वल टू कर 4, 5 और ये आ गया 6 पर आ गया 0.630, 0.630, 0.630 ये आ गया, ठीक है? अब इसमें वैल्यू पुट कर दो बस, तो यहां पर हो जाएगा 5,000 इंटू में ये वाली वैल्यू आ गई 0.794 और प्लस 7,000 इंटू में ये वाली वैल्यू आ गई 0.630। मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो 794 इंटू 5 तो ये आ जाएगा 3970 प्लस ऐसे यहां पे करा 630 इंटू 7 कर दिया तो आ गया 4410। इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा प्लस 3970 तो आ गया 8380। ये मेरा आंसर आ गया, मतलब मुझे आज जो पैसा डिपॉजिट करना है वो कितना करना है 8380। क्लियर हो गया है? देखिए मैं फिर बता रहा हूं, टेबल बनाना सबसे इजी काम है, ये बनाने में कितना टाइम लगा आप खुद बताओ,
मैंने इसको सॉल्व किया कितने टाइम में? मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 सेकंड में हमने सॉल्व कर लिया होगा। देखो आप खुद 8% है ना, 1.08 किया, डिवाइड इक्वल टू मतलब 1 = 2 = 3, पहला आंसर आ गया, = 4 = 5 और = 6, ये दूसरा आंसर आ गया, खत्म, बन गई टेबल। अब इतने में तो आप पीछे की जो पीछे टेबल देखेंगे उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा, इससे जल्दी तो मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। चलिए अब आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से समझना, ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बड़ा क्वेश्चन है लेकिन समझने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है, वो देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन है मेरे पास 2.2। इस क्वेश्चन में आपके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और काफी सारे इसमें पॉइंट्स भी हैं। एज्यूम दैट अ 20 लाख रुपीस प्लांट एक्सपेंशन इज टू बी फाइनेंस एज फॉलो, द फर्म्स मेक्स 15% डाउन पेमेंट एंड बोरोइंग द रिमाइंडर एट 9% इंटरेस्ट रेट। हमने 20 लाख रुपीस का प्लांट खरीदना है जिसके लिए मैं 15% जो है उसकी डाउन पेमेंट दूंगा और रिमेनिंग की जो है वो मैं 17 लाख, मतलब 20 का 15% हो गया 3 लाख, 3 लाख रुपीज मैं दूंगा डाउन पेमेंट, बाकी 17 लाख रुपीज की मैं करूंगा बोरोइंग 9% पर। द लोन इज टू बी पेड इन 8 equal annual installments बिगिनिंग 4th year फ्रॉम नाउ, और उसके ऊपर मैं 3 सालों तक कुछ भी पे नहीं करूंगा, लेकिन चौथे साल से मैं आने वाली 8 इंस्टॉलमेंट में उस पूरे लोन को उतार दूंगा। तो बताना है व्हाट इज द साइज ऑफ रिक्वायरमेंट एनुअल लोन पेमेंट, तो बताना है वो इंस्टॉलमेंट, वो जो लोन की जो पेमेंट होगी वो कितनी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जरा ध्यान से देखेंगे अब हम इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन बड़ा ध्यान से समझना है मुझे। अगर हम बात करें सबसे पहले, अगर हम बात करते हैं प्लांट की, प्लांट कॉस्ट है मेरे पास 20 लाख रुपीज, इसमें से लेस कर देंगे डाउन पेमेंट जो है मेरे पास 15%, तो 20 लाख का 15% होता है 3 लाख रुपीज, तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग जो हमारा लोन अमाउंट हो जाएगा, लोन जो हमने लिया है, जो हमने लोन लिया है वो कितना हो जाएगा 17 लाख रुपीज का। यहां तक समझ में आ गया होगा, ये तो मैं जानता हूं। अब इसके बाद अब हमें दो केस में क्वेश्चन से पूछा गया है, पहले हम बनाएंगे केस वन, इस पॉइंट को ध्यान से समझना, और मैं ये बुक वालों तरीके से नहीं करा रहा हूं, अपने तरीके से करा रहा हूं, याद रखना। मैं हमेशा बच्चों को कोशिश करता हूं कि मैं बच्चों को अपने तरीके से कराऊं, ताकि जब मैं स्टूडेंट था तो मैं क्या समझता था, क्या सोचता था, आप स्टूडेंट है आप भी वही समझते और सोचते होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूं। तो ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको जो फॉर्मूले बताए हैं वो याद रखना, मैंने फॉर्मूले बताए हैं सिर्फ ये 4, बुक वाले लेते हैं अपनी तरीके से मजे, तो मैं बुक वालों से के तरीके से नहीं चलूंगा, मैं अपने तरीके से चलूंगा। मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू के 2 फॉर्मूले, फ्यूचर वैल्यू के 2 फॉर्मूले, पहले पॉइंट समझेंगे बाद में हम बात करेंगे। अब केस वन देखिए, केस वन में क्या है, हमने आने वाले 3 सालों तक कुछ भी पे नहीं किया। उसने बोला है क्वेश्चन में कि द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज टू बी पेड बिगिनिंग ऑफ 4th year, चौथे साल के स्टार्टिंग में मैंने इंस्टॉलमेंट देनी शुरू करी है, मतलब 3 सालों तक कुछ भी पेमेंट करनी शुरू नहीं करी होगी। तो 3 सालों तक क्या ये 17 लाख रुपए के ऊपर आपने जिससे भी लोन लिया है क्या वो इंटरेस्ट लेगा या नहीं लेगा? डेफिनेटली लेगा। अगर वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 17 लाख के ऊपर 3 सालों तक, तो वो अमाउंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा फ्यूचर में?
खुद सोचो, अगर मैंने 17 लाख का लोन लिया है तो वो अमाउंट फ्यूचर में बढ़ेगा या घटेगा? 3 सालों तक अगर आप कुछ भी पे नहीं करेंगे तो डेफिनेटली इंक्रीज होगा। और यहां पर मैंने देखो लिख के बताया था आपको, फ्यूचर वैल्यू ज्यादा करने के काम आता है और प्रेजेंट वैल्यू कम करने के काम आता है। तो हमें यहां पर 3 सालों की निकालनी पड़ेगी फ्यूचर वैल्यू। अब यहां पर क्या 17 17 लाख मैंने हर साल लिया या एक ही बार लिया है? एक ही बार लिया है, एन्यूटी नहीं है अभी, तो इसका मतलब दो फॉर्मुलों में से सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये नहीं लगेगा, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब हम इसकी बात करेंगे, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू में सीवीएफ। तो यहां पर लगा मेरा फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सीवीएफ और आर एन। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में बोला गया है 9% का। अब यहां पे देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है विच इज 17 लाख इनटू में सीवीएफ। सीवीएफ कितना है अगर हम बात करें? सीवीएफ है मेरे पास 9% का है, 3 ईयर्स का है। अब देखो सीवीएफ निकालते कैसे, हम यहां पे बात करेंगे। यहां पे मैं ये एक छोटा सा पॉइंट लिख के आपको बता रहा हूं, ये वैसे आप सभी मैथ्स में पढ़ चुके हैं, सीवीएफ आर एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वन प्लस आर टू द पावर एन होता है इसको सॉल्व करने का तरीका। सीवीएफ जो निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस आर टू द पावर एन। अब देखो आर है कितना, यहां पर 9% है, यहां पे देख सकते हैं आप। 1 प्लस 0.09 टू द पावर एन कितना है यहां पर? 3। तो यहां पर हो गया 3, तो कितना हो जाएगा? इसको सिंप्लीफाई कर दो बस, कैसे करते हैं जरा वो देखेंगे। 1.09 की पावर 3 है, याद रखना, इनटू इक्वल टू मतलब 2 और इक्वल टू मतलब 3, तो ये हो गया 1.295। पॉइंट के बाद 3 डिजिट चाहिए होती है, याद रखना, तो ये हो गया 1.295। बस अब पुट कर दो यहां पर, तो ये हो जाएगा 17 लाख इनटू में 1.295। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 17 लाख इंटू में 1.295, तो ये हो गया 22,01,500, 22,01,500। ये मेरा आ गया फ्यूचर वैल्यू, आ गई आफ्टर 3 ईयर्स, ये है आफ्टर 3 ईयर्स। 3 सालों के बाद जो मेरे 17 लाख रुपए थे वो एक्चुअली 17 लाख ना रहकर वो हो जाएंगे 22,01,500। समझ में आ गया? याद रखना सीवीएफ निकालने का फॉर्मूला ये वाला होता है, ठीक है? ये मैंने फॉर्मूला लिखा है स्पेशली, मैंने पहले ही कहा था मैं चारों फॉर्मूले, ये जो हमने यहां पर 4 फॉर्मूले लिखे हैं, 3 मैं आपको बता चुका हूं, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, जब ये आएगा तो अब ये बता दूंगा, ठीक है? चल अब फर्स्ट केस तो हमने कर लिया, अब हम बात करते हैं सेकंड केस की। केस सेकंड, अब देखो 3 सालों के बाद जो मेरा अमाउंट आउटस्टैंडिंग है वो इतना है। अब हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल स्टार्टिंग फ्रॉम 4th ईयर, 4th ईयर के बिगनिंग। याद रखना जो मेरा लास्ट ईयर का अमाउंट होता है वही वही नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग का प्रिंसिपल हो जाता है, ये बात आपको पता है, और अगर नहीं भी पता तो याद रखना। जैसे हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं ना कि बैलेंस सीडी ही मेरा बैलेंस बीडी बन जाता है, ऐसे ही जो लास्ट ईयर, जो 3rd ईयर के लास्ट में मेरे पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट था वही अमाउंट 4th ईयर के बिगनिंग का प्रिंसिपल बन जाता है। बस आपको समझ में आ गया, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं। अब यहां पे देखेंगे
केस टू में क्या बोला गया है कि फोर्थ ईयर से मैं 8 इंस्टॉलमेंट में पैसा पे करूंगा। बेटा यहां पर जो मैं बोल रहा हूं ना, इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं हम 8, और अपने अमाउंट को कंपेयर करेंगे प्रिंसिपल से। मतलब मुझे प्रिंसिपल पता है फोर्थ ईयर के बिगनिंग में। अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल वैल्यू, जिसे हम प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं, वो हो गई फोर्थ ईयर के बिगनिंग में। फोर्थ ईयर के बिगनिंग में हो गई 2201500। जब मुझे प्रिंसिपल वैल्यू या फिर प्रेजेंट वैल्यू पता है तो मैं फॉर्मूला भी प्रेजेंट वैल्यू का लगाऊंगा। ये वो पॉइंट है जो समझना है आपको। फिर बोल रहा हूं, अगर यहां पर आपको प्रिंसिपल वैल्यू, जैसे आप प्रेजेंट वैल्यू आपको पता है, तो आपने फॉर्मूला भी प्रेजेंट वैल्यू का लगाना है। देखो कैसे आप समझ में आएगा। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्यूटी, क्योंकि 8 ईयर की इंस्टॉलमेंट बोला गया है, इंस्टॉलमेंट मतलब एन्यूटी, इनटू में। यहां पर अगर प्रेजेंट वैल्यू है तो देखो मैं फिर बता रहा हूं, फिर दिखा रहा हूं, प्रेजेंट वैल्यू होगा तो फॉर्मूला लगेगा एन्यूटी पीवीएएफ और आरएन। तो यहां लगेगा पीवीएएफ और आर, आर है मेरे पास 9% का और एन है मेरे पास 8 ईयर्स का। अब मुझे ये वाला अमाउंट, ये वाला जो प्रेजेंट वैल्यू है, ये वाली मुझे पता है 2201500। मुझे एन्यूटी निकालने को बोला गया है जो मेरी इंस्टॉलमेंट है, इनटू में। अब ये मैं निकालना सिखा चुका हूं, कैलकुलेटर पर आपको निकाल के दिखा रहा हूं। 9% 8 ईयर्स का, तो 1.09 8 ईयर्स का निकालना है, डिवाइड इक्वल टू, अभी इक्वल टू तक कुछ नहीं, जैसे ही मैं एम प्लस करना शुरू करूंगा तब हम काउंटिंग शुरू करते हैं। तो ये आ गया 1 equal to 2 equal to 3 equal to 4 equal to 5 equal to 6 equal to 7 equal to 8 आ गया, और ये मेमोरी रिकॉल, तो आ गया 5.535। राउंड ऑफ कर दिया है मैंने, याद रखना 5.535। ये आ गया, बस इसको इससे डिवाइड कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 2201500 डिवाइडेड बाय 5.535। ये आ जाएगा मेरा एन्यूटी का आंसर। इसको डिवाइड कर दूं अब तो ये आ गया 2201500 डिवाइडेड बाय 5.535। तो ये आंसर आ गया 39.7741.6। तो ये आ गया 39.7741.6। ये मेरा आंसर आ गया। यही वो एन्यूटी है जो मुझे पे करनी है, यही वो एन्यूटी है जो मुझे पे करनी है। समझ में आ गया है, क्लियर है। देखिए अगर हम आंसर की बात करें, इन्होंने ना थोड़ा सा राउंड ऑफ कर दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने यहां पर हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, यहां पर इन्होंने ये वाला फॉर्मूला लगाया है, ठीक है, और पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया है, कोई उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा आंसर 100% ठीक है, 3,97,750 कर दिया उन्होंने राउंड ऑफ करके, मैंने 3,77,741.6 कर दिया है, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ मेरा जो ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो खत्म होता है। और आपको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझ में आने लग गया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको और आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चनों के साथ। अभी भी मैं बोल रहा हूं, अगर अभी तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मेरे से डिस्कस कर ले, मुझे कॉल कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है, ठीक है।